So in our first class, we learned a few things about the periodic table. Like I told you that these vertical columns, जैसे कि यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, ये जो vertical column है, ये group कहलाता है. This is called as a group. So ये भी एक group है. और जो आपका modern periodic table है, उसमें there are 18 groups. ठीक है. And there is another very nice periodic table, which also I will show you very soon. But अभी तो ये लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल ऑफिशियल जो यूपैक ने रिलीज किया. ठीक है. एक और टेबल है जिसको हम उसमें नॉर्थ अमेरिकन सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स टू दीज वर्टिकल कॉलम्स है. वो भी बड़ा यूजफुल है. इसलिए यूजफुल है, मैं आपको बताऊंगा. अंडरस्टूड? ठीक है. आई विल टेल यू व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग. देयर इज अ नॉर्थ अमेरिकन सिस्टम ऑफ नंबरिंग दीज वर्टिकल कॉलम्स. तो ये वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ग्रुप वन. ठीक है. इस ग्रुप में हाइड्रोजन से लेकर और यहाँ फ्रेंशियम तक सारे एलिमेंट्स लिखे हुए, राइट? बट आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो दैट हाइड्रोजन इज इन ग्रुप वन, बट इट डज नॉट बिलोंग टू दिस फैमिली. ये जो यहाँ से लिथियम से डाउनवर्ड्स जो फैमिली है, उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स. और इन एल्कली मेटल्स की कुछ खास बातें हैं, ठीक है, जो कि हम मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं सब चीज़ें एक साथ आपको डीप में नहीं बता सकता. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि हर फैमिली के अंदर कुछ खास बातें होती हैं, बल्कि उनके जो नाम रखे हैं फैमिली के, ठीक है, वो भी उसी के बेसिस पे रख देते हैं. जैसे ये कार्बन फैमिली, इसका एक और नाम है इसका, खैर वो धीरे धीरे आपको बताएंगे. मैंने आपको कुछ ही फैमिलीज के नाम बताए थे. अब जैसे ये एल्कली मेटल्स क्यों हैं, वाई आर ऑल दीज एल्कली. ये तो पहली बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, तो मेटल ही नहीं है. बताया था ना, दिस इज हाइड्रोजन एंड इट इज अ नॉन मेटल, इनफैक्ट अ वेरी फेमस नॉन मेटल. ठीक है. बट दीज आर ऑल एल्कली मेटल्स. वाई वी कॉल देम एल्कली मेटल्स? ठीक है. वाई वी कॉल देम एल्कली मेटल्स? इनके जो ऑक्साइड्स हैं, सबके ऑक्साइड्स के जो फॉर्मूले हैं, केमिकल फॉर्मूले हैं, वो एक ही जैसे हैं. एक फैमिली है ना, तो कुछ तो समानता होगी. इनके जो भी ऑक्साइड्स हैं, उन सबके फॉर्मूले एक जैसे हैं. लिथियम ऑक्साइड Li2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, K2O, रुबीडियम ऑक्साइड Rb2O. इतनी सिंपल सी बात है, देखो, और आप इसको सीख सकते हो. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो सब पानी में सॉल्युबल हैं. दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर. सब मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है कि उनके ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल हो. इनके ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल हैं, तो पानी में सॉल्युबल होने के बाद सॉल्युबल दिस विल फॉर्म द हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और इसमें दो कौन से रेडिकल हैं, एक तो हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो आपने 9th में पढ़ा था, और एक लिथियम रेडिकल. इन सब के हाइड्रोक्साइड्स के एक ही जैसे फॉर्मूले. और इनको एल्कली इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं वो भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं. दे आर वाटर सॉल्युबल. जिन मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं. एल्कली. सो एल्कली इज अ वर्ड फॉर सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है. इन सब के ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं. अब जैसे इनका नाम भी एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसके भी कोई रीज़न है. पर तो बेटा ये एल्कली मेटल्स की फैमिली है. ये जो हाइड्रोजन इस फैमिली में नहीं है, ऑल्दो इट इज़ इन ग्रुप वन, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली. ठीक है. और मैंने आपको इसका बताया था, ये हेलोजन्स हैं. अब इसका भी कोई रीज़न है, इनको हेलोजेन बोलते हैं. जेन मीन्स जनरेट, हेलो मीन्स सॉल्ट, तो सॉल्ट्स बनाने के काम आते हैं. अब सॉल्ट क्या होता है, उसकी भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं. एक आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया था मीन्स कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो लेफ्ट साइड है उसमें मेटल्स मिलते हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स मिलते हैं. मतलब इसमें जो ग्रीन दिख रहा है आपको वो सब क्या है, ठीक है, इसमें तो इतना अच्छा कलर नहीं दिख रहा, बट ये सब क्या है, मेटल्स हैं. और ये कुछ ही अराउंड रफली 20 के करीब, ठीक है, ये आपके नॉन मेटल्स हैं. एंड हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल. ठीक है, ये हमने किया था. और ये कुछ मेटलॉइड्स हैं, इसमें 6 दिखाए हैं. कई लोग 7 भी बना रहे थे, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग चीज़ों को वो मेटलॉइड मान लेते हैं लोग. तो ये नंबरिंग की स्कीम याद रखोगे, 18 वर्टिकल कॉलम्स. द अदर डे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो एक हॉरिजॉन्टल रो है इसमें, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ बॉक्सेस, इसको हम पीरियड बोलते हैं. बट इसके एलिमेंट्स एक दूसरे से वैसे रिलेटेड नहीं है जैसे कि एक वर्टिकल कॉलम के हैं. वो तो आपस में रिलेटेड है, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं. तो पीरियड का मतलब ये हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल. और आप देखो, आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 1 से लेकर 7 तक नंबर है. दिस आर नॉट डिफरेंट रोज, दिस आर नॉट 8 एंड 9, दिस इज 6 ओनली एंड दिस इज 7 ओनली. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये यहीं से कट करके यहाँ अलग से हमने लगाया हुआ है.
ताकि पीरियोडिक टेबल थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। अगर हम इसको भी यहाँ पे वापस लगा देंगे तो ये बहुत ही छोटा फॉन्ट हो जाएगा, इसका फॉन्ट विल बिकम वेरी स्मॉल एंड इन ऑन अ बुक यू विल नॉट बी एबल टू सी। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉइंग नाइसली ओनली दीज रोज आर शोन एज सेपरेट। बाकी ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका स्पेशल नाम लिखा हुआ है, इनको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। ठीक है, जो लेंथेनम के बाद आते हैं, ठीक है, और ये एक्टिनॉइड्स हैं, ठीक है, एक्टिनॉइड्स। तो थोड़ा सा हमारी इसको आप जीके मान लो, ठीक है, ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, यहाँ पे एक्टिनियम लिखा है और ये एक्टिनॉइड्स हैं। ठीक है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 58 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 71 तक। अल्टीमेटली आपको ये सारी चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, आई एम नॉट सेइंग कि अभी आप याद करो। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स के अंदर एक स्पेशल बात है, पहले तो आप देखिए जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो एंड कर रहा है वहाँ पे एक ग्रुप 18 का एलिमेंट है जिसको हम नोबल गैस या इनर्ट गैस भी बोलते रहे हैं। ठीक है, फिर वो बाद में हम समझ लेंगे कि नोबल और इनर्ट क्यों बोलते हैं इनको, लेकिन इनके एंड में नोबल और इनर्ट गैसेस हैं जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी हमें मालूम है पहले से कि काफ़ी कम होती है, ये आपने शायद 9th क्लास में सुना होगा। ओके, सो देन जितनी भी नोबल गैसेज हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम कई बार ऑक्टेट भी बोलते हैं, कि इनका ऑक्टेट कम्प्लीटली फिल्ड अप है। और जो हीलियम है उसका जो आउटर मोस्ट शेल है n=1 वाला शेल जिसको हम k शेल बोलते हैं, इसका आउटर मोस्ट शेल भी कम्प्लीटली फिल्ड अप है। तो ऑल्दो वो ऑक्टेट नहीं है लेकिन कई बार उसको ऑक्टेट लोग बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, जितनी उसमें स्पेस है के शेल में जितनी जगह है वो पूरी फिल्ड अप है। तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे आपके पास ये पीरियड है, मान लीजिए ये थर्ड पीरियड है, तो यहाँ पे थर्ड पीरियड खत्म हो गया, तो जैसे ही एक नया पीरियड शुरू होता है तो एक नए शेल की फिलिंग अप स्टार्ट होती है हमेशा। The beginning of a new period is marked by filling up of a new shell. Please remember this important point, right? तो जैसे कि अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो यहाँ से सेकेंड शेल की फिलिंग अप शुरू होती है, यहाँ से थर्ड शेल की फिलिंग अप शुरू होती है, यहाँ से फोर्थ शेल की फिलिंग अप शुरू होती है, यहाँ से फिफ्थ शेल की फिलिंग अप शुरू होती है। और आप देखो यहाँ पर फर्स्ट शेल की फिलिंग अप कंप्लीट हो गई और यहाँ पे सेकेंड शेल की फिलिंग अप शुरू हो गई, बट दैट डज नॉट मीन कि जो आपका पीरियड जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पे किसी एक शेल की फिलिंग अप कंप्लीट हो, राइट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से रखना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, इन जनरल पीरियोडिक टेबल में ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर एक पीरियड ख़त्म हो वहाँ पे पहले वाले शेल की फिलिंग अप कंप्लीट हो और उस वजह से नया शेल शुरू हुआ है। लेकिन ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कि जब भी एक नया पीरियड शुरू होगा तो एक नए शेल की फिलिंग अप ज़रूर शुरू होगी। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल्स थोड़ा डिटेल में समझने पड़ते हैं कि वाई द फिलिंग अप ऑफ अ शेल हेयर मे नॉट बी कम्प्लीटेड राइट एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड वाई अ न्यू शेल फिलिंग अप स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड। तो ये आप ज़रूर याद रखो कि जब भी एक नया पीरियड शुरू होगा, वेन एवर अ न्यू पीरियड स्टार्ट्स, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू शेल जिसमें पहले कोई इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं गया था। पर अब आप देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के शेल, ठीक है, अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन में के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम में क्या है, हीलियम में एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि ये फर्स्ट शेल है इसके अंदर मैक्सिमम 2n² का जो हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि n ये इस फर्स्ट शेल के लिए n1 होता है, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल 2, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ ही गए, तो हम कहते हैं कि इसका शेल फिलअप हो गया, इसका शेल कम्प्लीटली फिलअप हो गया, बिकॉज देर इज़ नो स्कोप टू पुट मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, तो इसके एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि एटम को न्यूट्रल बनाना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है, अगर आपने फिजिक्स वाला लेक्चर सुना तो आप भी सुनना वो, ठीक है, सो दैट यू विल कम टू नो कि इसका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है। तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में, तो लेकिन अब तीसरा इलेक्ट्रॉन को अगले शेल में डालना पड़ेगा, नहीं, तो ये किसकी कन्फिग्रेशन है, लिथियम की, ठीक है। अब अगर हम बेरिलियम की कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर है 4
उसमें यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें तीन, इसमें चार। तो अगर मैं कार्बन की कन्फिग्रेशन लिखूँ तो ये आ जाएगी। अब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, और जितने भी ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, ठीक है, एंटीमनी, लेड, इन सब के अंदर, इन सब के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। वैलेंस तो समझते हो ना, आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? के शेल। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल। इसका आउटर मोस्ट एल, समझ रहे हो ना, एन इज इक्वल टू टू वाला शेल, एन इज इक्वल टू टू। एन इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द शेल। एन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द शेल। तो के शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, एल शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, और नेक्स्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3। इनफैक्ट आपको के एल एम की जरूरत नहीं है, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है इसमें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है या पैरामीटर है, आप ये बोल सकते हो। तो ये किसकी कन्फिग्रेशन है? कार्बन की। तो नेक्स्ट के लिए क्या आएगा? नेक्स्ट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2n स्क्वायर फॉर्मूला से 8 आ सकते हैं ना, ठीक है। तो इसमें अब नेक्स्ट में नाइट्रोजन में यहाँ पे 5 आ जाएंगे, और ऑक्सीजन में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी हैलोजन्स हैं उन सब के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने भी ऑक्सीजन फैमिली, इस वर्टिकल ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सब में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होता है। तो अब इन सब में कितने हैं? इन सब में एक्सेप्ट फॉर हीलियम, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एज पर द रूल्स 8 आर अलाउड इन द आउटर मोस्ट। अब वो कैसे है वो आपको बताएंगे। तो नियॉन की कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 8। तो 2 8 इज द कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन, और 10 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सा शेल फिलअप हो गया पूरा? एल शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड अप। नया पीरियड जब शुरू होता है तो नेक्स्ट शेल की फिलिंग अप स्टार्ट होती है, समझ में? व्हेनेवर अ न्यू पीरियड बिगिंस इट ऑलवेज शोज दैट अ न्यू शेल इज गेटिंग फिल्ड अप। आ जाएगा समझ में? बिल्कुल ही आसान है। तो यहां से आपके पास अब यहां पे नेक्स्ट शेल की फिलिंग अप स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पे कौन से शेल की फिलिंग अप स्टार्ट हो जाएगी? एम वाले, एन इज इक्वल टू 3 वाले की, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? इसमें एक और आ गया, ठीक है। फिर इसके लिए इसमें एक और आ गया, फिर नेक्स्ट सिलिकन में कितने आएंगे? 4, और इसमें, इसमें 5, और इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, ठीक है। देखो कि जब भी नया पीरियड शुरू होता है ना तो एक नए शेल की फिलिंग अप स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम यहाँ पे आ गए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट ऐसा नहीं कि एम शेल पूरा भर गया, एम शेल में और भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर यहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ से आर्गन के बाद यहाँ आएंगे तो नेक्स्ट शेल फिलअप होना शुरू हो जाएगा। अब एम अभी पूरा भरा नहीं है, तो ईच न्यू पीरियड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ फिलिंग अप ऑफ अ न्यू शेल, ये बोलना चाहिए। ईच न्यू पीरियड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ फिलिंग अप ऑफ अ न्यू शेल। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में 2 आएगा, नेक्स्ट में 3 आएगा, और फिर ऐसे ही आप करते जाओ और फिलअप करते जाओ। तो ये ऐसे होता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी एक नया पीरियड शुरू होता है वहाँ पे एक नए शेल की फिलिंग अप स्टार्ट होती है। अरे का बेटा समझ में? बिल्कुल ईजी सा पॉइंट है। तो अब देखो, ये अब मैंने आपको एक छोटा सा पैटर्न इसमें बताया कि एक वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट फॉर हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? ये याद रख लोगे? बिल्कुल ईजी चीज़ है। ओके, आगे देखते हैं। देखना बेटा, अब एक ये टर्म हमने पढ़ी थी थोड़ी सी 9th क्लास में, वैलेंसी। तो मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत अच्छी बुक्स हैं केमिस्ट्री की उनमें यही लिखा होता है
कि वैलेंसी इज बेसिकली वी डोंट नीड दिस कंसेप्ट नाउ इन केमिस्ट्री, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट द वर्ड वैलेंसी एट ऑल. ठीक है, तो लेकिन फिर हमने पढ़ा क्यों? ठीक है, तो अब देखो कोई भी चीज़ को अगर हम हटाएंगे उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ तो आएगी. ठीक है ना, इफ वी रिमूव समथिंग देन समथिंग न्यू हैज टू कम इन इट इन दैट. ठीक है, तो वैलेंसी पहले क्या होती है आप बताओ? वैलेंसी का मतलब होता है कि जैसे अगर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम, हमने दिखा दिया यहाँ पे हाइड्रोजन, तो आपकी नाइन्थ की बुक में लिखा है हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी बुक में लिखा है 2 है. ठीक है, तो हम वैलेंसी को ऐसे समझते हैं कि वैलेंसी इज लाइक हैंड्स ऑफ द एटम विद विच इट कैन ज्वाइन हैंड्स विद अदर एटम. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो एक ही हाथ है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो इट हैज 2 हैंड्स एंड सो इट कैन ज्वाइन टू 2 अदर एटम्स. ठीक है, तो अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है, इट हैज 2 हैंड्स विद विच इट कैन ज्वाइन टू 2 अदर एटम्स. तो वाटर जब बनता है तो क्या होता है? ये पिक्चर थोड़ी सी मिसलीडिंग है, मैं आपको बता दूं. ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की शेप थोड़ी सी ऐसे होती है, बेंट होती है, बेंट शेप बोलते हैं, पर चलो फिर भी अभी हम सिर्फ बॉन्डिंग समझ रहे हैं. तो ये हाइड्रोजन के एक हाथ है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो एक हाइड्रोजन अपना हाथ ज्वाइन कर लेता है इस ऑक्सीजन के साथ. तो व्हेन अ हाइड्रोजन एटम स्टिक्स और ज्वाइंस हैंड विद ऑक्सीजन वी से अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड ये स्टिक करता है. जैसे आप स्टिकी नोट होता है ना, स्टिकी नोट तो देखा है, चिपका देते हो कॉपी पे तो चिपक जाता है. ठीक है, इट इज़ लाइक दैट ओनली. बट यहाँ पे जैसे आप बार मैग्नेट्स को आपने देखा है, तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के साथ चिपक जाता है, तो क्या आप उसको अलग नहीं कर सकते? कर सकते हो, थोड़ी सी फोर्स लगा के आप उसको अलग भी कर सकते हो. तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, चिपक जाता है बिकॉज ऑफ विच फोर्स? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से कुछ फोर्सेज आती हैं. ठीक है, जिनको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो फोर्स आती है उसकी वजह से हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से चिपक जाता है एंड वी से अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ठीक है, वी से अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड. लेटर ऑन वी विल स्टडी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. तो जो आपका ऑक्सीजन का एटम है, अगर वो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ ज्वाइन करता है, दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ ज्वाइन करता है, तो देन अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो वैलेंसी ये चीज़ है. वैलेंसी इज लाइक द हैंड्स विद विच वन एटम कैन ज्वाइन हैंड्स विद अनदर एटम. ठीक है, तो आपकी बुक में तो आयंस की भी वैलेंसीज लिखी है, लेकिन अब मैंने आपको बताया ना नया कंसेप्ट जो हमको रिप्लेस करना है वैलेंसी को. सो अ गुड वे इज़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, कि हर एटम के ऊपर जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है कोई एटम, तो उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा. ठीक है, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ. उसको समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं. अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन इज जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इन केमिस्ट्री इज जब किसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल. तो जब किसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होता है, तो हमेशा क्या होगा कि जो मेटल का एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, हमेशा लूज करेगा. और इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बन जाएगा? एक पॉजिटिव आयन, जो आपने नाइन्थ में सीखा था, जिसको हम कैटायन बोलते हैं. नहीं, और क्या बोलते हैं पॉजिटिव आयन को? ठीक है, अभी हम बताएंगे, लेकिन उसको हम बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं. बेसिक रेडिकल, आपको मैंने एक रेडिकल्स की लिस्ट दी थी, वो आप देख लेना. ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ बेसिक रेडिकल. मोस्टली मेटल्स तो ऐसा ही करते हैं. ठीक है, मोस्टली मेटल्स तो ऐसा ही करते हैं, दे ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. वाई? वी विल अंडरस्टैंड. सोडियम की कन्फिग्रेशन याद है ना आपको? 2, 8, 1. सो व्हेन सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स लाइक 2, 8. नहीं, तो इट बिकम्स लाइक एन इनर्ट गैस, या इट बिकम्स लाइक अ ग्रुप 18 एलिमेंट. मैंने बताया था ना नियॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो नियॉन की तरह से बन जाता है. तो ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्टिविटी मीन्स कोई भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन दिखाने की जो उसकी टेंडेंसी होती है. टेंडेंसी मीन्स ईगरनेस. ठीक है, कितना वो रिएक्शन करना चाहता है. तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स का क्या रीज़न नाइन्थ में हमने पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है. ठीक है, तो लेकिन ये ठीक ठाक रूल है कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज बिकॉज दे ट्राई टू शो केमिकल रिएक्शन, बिकॉज इन केमिकल रिएक्शन दे ट्राई टू बिकम लाइक नियरेस्ट इनर्ट गैस. जो उनके सबसे पास इनर्ट गैस है उसकी तरह से बनना चाहते हैं. पर सब केमिकल रिएक्शन में सब
एलिमेंट्स ऐसे नहीं बनते, केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ 100% ऐसे नहीं होती कि हमेशा यही चीज़ ऐसे है, थोड़ा बहुत उसके अंदर एक्सेप्शन हर चीज़ की मिलती है। जैसे हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं केमिस्ट्री में तो उस लाइन की कोई ना कोई एक्सेप्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये 100% करेक्ट भी नहीं है। लेकिन देखो आप, ये सोडियम है तो मैंने आपको बताया सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये तो पता ही है सबको क्या बनने वाला है, कॉमन सॉल्ट जो पकौड़ों में डालते हैं, ठीक है, खाने में भी डालते हैं, जिनकी वजह से खाना टेस्टी बनता है, नहीं तो खाना टेस्टी नहीं होगा, ठीक है। तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इट विल बिकम लाइक दिस, लाइक द नियरेस्ट इनर्ट गैस। तो हमने यही पढ़ा है कि बिकॉज जो भी एलिमेंट्स हैं वो केमिकल रिएक्टिविटी क्यों दिखाते हैं, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा था, याद है आपको, ठीक है। तो दे ट्राई टू बिकम लाइक इनर्ट गैस। तो सोडियम मेटल्स के साथ हमेशा ऐसे होता है, मेटल्स ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल रिएक्शंस मोस्टली। तो खासकर जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होगा तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और जो इस मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो कौन पकड़ लेगा उस इलेक्ट्रॉन को, नॉन मेटल का एटम उस इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा और वो एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन मेटल के एटम्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को कैच करते हैं, मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होता है तब हमेशा ऐसा होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो मेटल के एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो नॉन मेटल का एटम उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा और ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ये नेगेटिव आयन। नाउ वंस यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड वंस अ नेगेटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली एंड दे स्टिक टू ईच अदर टू फॉर्म अ बॉन्ड, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। और दे मेक समथिंग कॉल्ड एज एन आयनिक कंपाउंड। वाई द जब सोडियम और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन चिपक जाते हैं तो आयनिक कंपाउंड क्यों बनता है, बिकॉज उसमें आयन्स हैं। ये आयन है कि नहीं, ये आयन है कि नहीं, सब कंपाउंड्स में आयन्स नहीं होते, ये समझो आप, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में आयन्स होते हैं, तो ये डेफिनेशन है आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड्स आर दोज विच कंटेन आयन्स। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज का रोल आ रहा है इसमें, नहीं तो हमें ये समझना होता है कि कोई भी एलिमेंट कैसा आयन बनाता है। जैसे सोडियम में से दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा बट टू इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा टफ होता है, उसके लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाएगा, पर आपने 9th के टेबल में देखा होगा ये दिया हुआ है सल्फेट आयन, याद है 9th में जो आपको एक 9th रेडिकल्स की बुक देखी आप टेबल दिया हुआ था उसमें कार्बोनेट आयन भी दिया हुआ है, तो इसके ऊपर ऐसे लिखा ना 2-, राइट। व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स इट हैज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। सो होल ऑफ दिस, ये पूरी की पूरी जो स्पीशीज बोलते हैं इसको, ये न्यूट्रल नहीं है। SO4 सल्फेट, सल्फेट हैज 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स विच आर स्टक टू इट, ठीक है। बट द होल ऑफ दिस थिंग, ये पूरा जो स्पीशीज है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो न्यूट्रल नहीं है, उसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट हैज एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। यू मस्ट लिसन टू द लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो लेकिन अब आप देखो, ये हमको समझना होता है कि सोडियम जब आयन बनाएगा तो यूजली वो Na+ आयन बनाएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, ठीक है। 1+ मीन्स 1+, और इसको +1 नहीं लिखना, 1+ ही लिखना है, +1 और 1+ में भी फर्क होता है। 1+ मीन्स इट हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें 1- मीन्स इट हैज़ अ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और ये तो क्लोरीन का एटम दिखा रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स एन एटम ऑफ क्लोरीन विच इज न्यूट्रल। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 7। इट इज सेड दैट व्हेन क्लोरीन एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स 2, 8, 8, सो इट बिकम्स लाइक इनर्ट गैस आर्गन, ठीक है। तो वो आर्गन की तरह से बन जाएगी, तो ये देखो क्लोरीन यहाँ पर है तो वो आर्गन की तरह से बन जाएगी जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, एक जनरल रूल ये था कि केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस से वो नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह से बनते जाते हैं, बट ये 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है। कई जगह पे ये शुरू में, जैसे आप लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो ये एक छोटा सा गाइडिंग प्रिंसिपल है, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट कि केमिकल रिएक्शन इसी वजह से होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए काम करेगा, फिर इसकी एक्सेप्शन हैं बहुत सारी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में हर चीज़ की एक्सेप्शन है। एक बात बताएंगे तो उसकी कई सारी एक्सेप्शन निकलेंगी, बट वो बहुत जगह फॉलो भी होती है वो बात, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अब बड़ी अच्छी बात है जो कि
जिसके लिए कम एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, कि जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होगा तो मेटल पॉजिटिव आयन बनाएगा और नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाएगा। तो इस वजह से कई बार हम ये बोलते हैं कि मेटल में, बिकॉज मेटल फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन, इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। बिकॉज मेटल्स टेंड टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, तो हम बोलते हैं बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम क्या बोलते हैं मेटल्स हैव अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। वेयर एज नॉन मेटल्स, बिकॉज दे टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयन्स, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर होता है। और आपको पता है इसको हम कैटायन बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं एनायन, याद है ना, नेगेटिव आयन्स को एनायन्स बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में रिएक्शन में नॉन मेटल्स हमेशा एनायन्स बनाएंगे नेगेटिव आयन्स, और मेटल्स हमेशा कैटायन्स बनाएंगे पॉजिटिव आयन्स। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच में, कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच में। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। देखो जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो सोडियम की तरह से हमेशा सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनाएंगे, वन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। मतलब ऑल दीज एल्कली मेटल्स दे विल ऑलवेज टेंड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन ओनली एंड नॉट टू, ठीक है। सिमिलरली ऑल दीज विल टेंड टू लूज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इसको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट आयन। जो वन प्लस है उसको क्या बोलते हैं मोनोवेलेंट, क्योंकि उसके पर वन चार्ज है, सिंगल चार्ज पॉजिटिव। और ये सब क्या बनाते हैं डाइवेलेंट आयन्स, इनके ऊपर टू प्लस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम ने लूज किए। सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो दैट मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब क्या होता है वन, और डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू। तो इसलिए कैल्शियम इज डाइवेलेंट एंड सोडियम इज मोनोवेलेंट। टू प्लस का मतलब इट हैज लॉस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज नॉर्मली एटम इज न्यूट्रल। अगेन यू नीड टू स्टडी दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स इन विच वी टॉक अबाउट हाउ एटम्स कैन बिकम चार्ज। तो जो कैल्शियम है जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इट विल फॉर्म अ डाइवेलेंट आयन, ठीक है। सपोज इसका फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है और फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन का एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और वो ये वाला आयन बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं फ्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं फ्लोराइड आयन। जितने भी नेगेटिव आयन्स हैं, ठीक है, आइड वर्ड हमेशा जब भी लगेगा वो नेगेटिव आयन्स के लिए लास्ट में ही लगता है, ठीक है। ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इनके साथ नहीं लगेगा ऐसे, इसको तो सिंपल ऐसे ही बोलते हैं कैल्शियम आयन, कोई आइड नहीं लगेगा या कुछ और, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ बेसिक्स हैं जो हम अलग से सीख सकते हैं, ओके, आई थिंक वी विल नीड दिस। तो बेटा अब दो फ्लोरीन के एटम्स दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे तो दो फ्लोरीन के आयन्स आएंगे एंड दीज आयन्स दे विल स्टिक टू वन अनदर वेरी स्ट्रांगली। ये खास बात है, जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड क्या है, जो आयन्स के बीच में चिपकना है उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं, द स्टिकिंग ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और एक आयनिक कंपाउंड बनेगा जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। अब नाइन्थ में हमने इसको कैसे पढ़ा, नाइन्थ में आप इसको बोल रहे थे इसकी वैलेंसी टू है और इसकी वैलेंसी आप कह रहे थे वन है, तो नाइन्थ में हम ऐसे कर रहे थे कैल्शियम की वैलेंसी है टू और फ्लोरीन की वैलेंसी है वन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख रहे थे, नहीं CaF2 ऐसे लिख रहे थे ना, लेकिन हम कह रहे थे वन तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कंपाउंड बनेगा CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। फिर बताऊंगा अलग से इसका नाम कैसे रखते हैं, मैंने बताया ना एक अलग क्लास करेंगे। तो इसको CaF2 नहीं, टूथपेस्ट में होता है ना ये कंपाउंड फ्लोराइड, बोले हुए ऐड में सुना भी होगा आपने, तो कैल्शियम फ्लोराइड इज दिस कंपाउंड, ठीक है। एंड अब देखो नाइन्थ में हम इसको वैलेंसीज के टर्म्स में पढ़ रहे थे, अब हम इसको चार्ज के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डाइवेलेंट आयन बनाएगा, जितने भी आपके ग्रुप टू के ये एलिमेंट्स हैं ये सारे, ये हमेशा डाइवेलेंट आयन बनाएंगे। मैग्नीशियम कौन सा आयन बनाएगा Mg2+, बेरिलियम कौन सा आयन बनाएगा Be2+, बेरियम कौन सा आयन बनाएगा Ba2+, और कोई नहीं बना सकता, इसके लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है। और ये दो क्यों लूज कर रहा है, बिकॉज कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है KLM, तो 2 2 8 8 2, ये कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन है, 20s का एटॉमिक नंबर। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो कैल्शियम विल बिकम लाइक आर्गन, इट विल बिकम लाइक आर्गन, ठीक है। तो अब यही केमिकल रिएक्शन है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स, ये
ग्रुप टू के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है, दे विल ऑलवेज लूज टू इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम लाइक दीज गैसेस, या जो हम बोलते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के जैसे बन जाते हैं, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड अप है. एंड इट इज सपोज, ये मानते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड अप है तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है. सो इट हैज़ मोर स्टेबिलिटी, ये टर्म यूज़ करते हैं कि ये जो एटम्स हैं ये स्टेबल हैं, दे शो लेस केमिकल रिएक्टिविटी. देर वॉज अ टाइम वेन पीपल बिलीव कि इनके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड अप है. बट देन लॉट ऑफ रिएक्शंस वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन कि ये केमिकल रिएक्शंस दिखा सकते हैं, दे कैन शो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. तो आप ये समझ रहे हो कि ग्रुप टू के जितने भी मेटल्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो सब एक ही तरीके के आयंस बनाएंगे, समझ में आया. और आप देखो ये कैसे आयंस बनाएंगे, तो आयंस जो मैं आपको बता रहा, आयंस आर मेन थिंग. ये देखो आप ये सब कैसे आयंस बनाएंगे, ये हमेशा ये भी मोनोवेलेंट आयन बनाएंगे पर नेगेटिव आयंस. ये एफ वन माइनस बनाएगा, क्लोरीन सी एल वन माइनस बनाएगा, ठीक है, और ब्रोमीन बी आर वन माइनस, या वन को लिखते नहीं तो सिंपली ऐसे लिखते हैं ब्रोमाइड आयन. और ये जब आयंस बनाएंगे तो हमेशा कौन से आयंस बनाएंगे, ये टू माइनस वाले आयंस बनाएंगे, तो ऑक्साइड. ओके, नोट नीचे नहीं आएगा, ऐसे ऊपर आएगा टू माइनस, ठीक है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा, ये सल्फाइड आयन बनाएगा. तो मतलब हमें ये समझना है कि इंस्टेड ऑफ वैलेंसी दिस इज अ मोर यूजफुल कंसेप्ट. एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आप कहोगे सर अगर हमें वैलेंसी का नहीं पता कि टू और वन है तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इस कंपाउंड का, नहीं वैलेंसी तो इधर से उधर जाती है ना. कोई कह सकता है कि सर चार्ज इधर से उधर चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है. देखो ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं कि ये एक, ये क्या है, ये केमिकल फॉर्मूला है किसका, कैल्शियम फ्लोराइड का, कई लोग ये बोल सकते हैं. तो दे आर नॉट रॉन्ग, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, जस्ट लाइक दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बट इनमें और इनमें कुछ फर्क है, ठीक है. दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, इट कंटेन्स आयंस, ठीक है. दिस इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट डज नॉट कंटेन आयंस. दिस इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इट डज नॉट कंटेन आयंस. अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा किसमें आयंस है किसमें नहीं, तो आप देखो अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड है तो हमेशा आयनिक कंपाउंड होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आयनिक कंपाउंड है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होगा, ये नहीं है इसका मतलब. मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड होगा. अब जैसे ये वाला कंपाउंड देखो, आप सबने सुना है कैल्शियम कार्बोनेट, चौक में होता है, मार्बल में होता है, नहीं. अब कैल्शियम कार्बोनेट में ये आयंस हैं, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयंस, तो ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है. बट दैट डज नॉट मीन कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ये तो मेटल है और ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, पर ये तो रेडिकल है ना. रेडिकल मीन्स इट इज लाइक अ मॉलिक्यूल, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. तो हम ऐसे बोलते हैं रेडिकल एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो केमिकली रिएक्टिव है. केमिकली रिएक्टिव मीन्स इट इज ईगर टू स्टिक विद अदर थिंग्स, इट इज ईगर टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. तो रेडिकल का मतलब यही होता है, इट इज लाइक अ मॉलिक्यूल. क्या पढ़ते हैं हम नाइन्थ में बताओ, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है. मॉलिक्यूल मीन्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली, जो एक पूरा एक सिंगल फॉर्म है. जैसे आपकी कार है, ठीक है, वो इधर उधर मूव कर सकती है, पर ट्रेन है, ट्रेन के अंदर अलग अलग कार्स हैं या कैरेजेस हैं, सो इट कैन मूव एज अ होल ओनली, नहीं दे आर कंबाइंड. बट मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन मूव अराउंड, ठीक है, इट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है. तो वैसे ही ये जो चीज़ है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, बट समटाइम्स इट कैन हैव अ चार्ज बिकॉज ऑफ विच इट इज़ हाईली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव मीन्स दूसरी चीज़ों के साथ ही चिपकना चाहता है. जैसे कि अगर मैं एक स्टिकी नोट इनकी शर्ट पे लगा दूँ तो चिपकना चाहता है, शर्ट के साथ चिपक जाएगा, तो इट हैज़ स्टिकीनेस, ठीक है. दैट इज़ वॉट वी कॉल एज केमिकल रिएक्टिविटी, और वो स्टिकीनेस होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना आपको जो मैंने आपको अभी बताया. तो मतलब कहने का है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड हम ये नहीं बोलते कि उसमें एक मेटल का आयन है एक नॉन मेटल का आयन है, ये नहीं बोलना. हाँ, अगर एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड है वो पक्का आयनिक कंपाउंड होगा, उसमें आयन. अब इसमें तो देखो कोई भी ये दोनों नॉन मेटल्स हैं तो भी कंपाउंड बना हुआ है, पर इसमें आयन्स नहीं होंगे. तो फिर क्या होगा इसमें, क्या जब ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चिपके हैं डू दे बिकम लाइक इनर्ट गैसेस. You can say when we say that hydrogen and oxygen become like inert gases, what we mean to say is, देखो जो हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन है वो
उसमें एक इलेक्ट्रॉन है केस शेल में, ठीक है। तो अब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है वाटर बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन की जो कन्फिग्रेशन है वो हीलियम के जैसी बन जाती है। अब वो कैसे बन जाती है उसके लिए हम बाद में लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही अब आप देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, आप अगर ऑक्सीजन को यहाँ पर लिखते हो तो ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन होती है 2, 6। तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन की जो कन्फिग्रेशन है वो नियॉन के जैसी बन जाती है, जो होती है 2, 8, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड्स बना के एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो जब हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकम लाइक नियरेस्ट इनर्ट गैस, वी वॉन्ट टू से कि इनकी जो कन्फिग्रेशन हैं वो नियरेस्ट इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन के जैसी बनती हैं। दे बिकम लाइक इनर्ट गैसेज इन दिस केमिकल रिएक्शन, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड लेटर ऑन, बट इट इज़ नॉट एन आयनिक कंपाउंड। तो अगर कोई कंपाउंड आयनिक नहीं है तो वो क्या होता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं इट इज़ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्यों बोलते हैं जिसमें आयन्स नहीं है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं है, यू कैन नॉट कॉल दिस एज अ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। डू यू नो दिस, दिस नॉट अ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। आयनिक कंपाउंड में देर आर नो मॉलिक्यूल्स, व्हाई? लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, समझ रहे हो? नमक, अगर आप नमक का एक दाना लेते हो घर में, अपने पाम पे रखते हो और आप उसके अंदर घुस जाओ, तो घुसने के बाद आपको ऐसा एक केज लाइक स्ट्रक्चर, ये आप हो, ठीक है, आपको ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखेगी जिसमें आप ये देख पाओगे, अगर आप इनको देख सकते हो, देख तो नहीं सकते वैसे और ना इतना छोटा बन सकते, ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो यू विल फाइंड कि इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न में सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन्स, इसमें साइज का इतना डिफरेंस नहीं बताया हुआ, ठीक है, तो सोडियम आयन्स आर बिगर, ठीक है, सोडियम आयन्स आर बिगर, क्लोराइड आयन्स आर स्मॉलर। तो लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसके अंदर अगर आप घुस सकते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सोडियम आयन्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, दे आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी क्लोरीन क्लोराइड आयन है, कहीं पे भी सोडियम आयन है, ऐसा नहीं है। जैसे क्लास में बेंचेस एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, रेगुलर पैटर्न में, ठीक है, इस रेगुलर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, दिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इज कॉल्ड एज अ लैटिस, इट इज कॉल्ड एज अ लैटिस। अब अगर हम यही काम एक पानी के गिलास में घुस के देखें तो क्या दिखेगा आपको, पानी के गिलास में आप घुस के देखोगे तो आपको कोई लैटिस नहीं दिखेगी, देर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें बस मॉलिक्यूल्स होंगे। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये H, ये H, ये O, फिर एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये सब इधर उधर मूव कर रहे होंगे, तो देर आर नो आयन्स, ना ही वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कोई आयन है। वाटर मॉलिक्यूल में एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम है, एक और न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम है और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, और ये ऐसे रफली ये एंगल अ लिटिल बिट मोर देन 108 डिग्रीज होता है। वाटर मॉलिक्यूल की शेप को बेंट शेप बोलते हैं, ठीक है, कई मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी शेप बेंट नहीं होती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो सीधा होता है ऐसे, ठीक है, इट इज़ लीनियर। तो मॉलिक्यूल्स की कमी शेप्स हैं, वेरी फ्यू शेप्स आर देयर फॉर मॉलिक्यूल्स, तो दिस इज वन शेप, इट इज़ कॉल्ड एज बेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर मॉलिक्यूल। तो व्हाट आई वांट टू से, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में देर आर नो आयन्स, समझ में आएगा? अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सब चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है जब तक ये सॉलिड स्टेट में है, इस एवरीथिंग इज कम्बाइंड। जैसे एक एक सोडियम यहाँ पर 6 क्लोराइड आयन्स के साथ चिपका हुआ है, समझ रहे हो, एक सोडियम, ये वाला सोडियम देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ भी क्लोराइड, ऊपर भी क्लोराइड, तो एक सोडियम के ऊपर नीचे यहाँ यहाँ आगे पीछे 6 क्लोराइड आयन्स हैं, ठीक है, ऐसी एक क्लोरीन एक क्लोराइड आयन के नेबरहुड में अगर मैं इसको देखूंगा तो ये यहाँ 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 और एक यहाँ पे सोडियम आयन मिलेगा इसके, समझ में आ रहा आपको? तो देर आर नो मॉलिक्यूल्स हेयर, लेकिन बिकॉज अगर हम काउंटिंग करते हैं, जैसे इस क्लास में हम काउंटिंग करें तो रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 2:1, गर्ल्स आर 2 एंड बॉय इज 1, सो रेशियो इज 2:1, ठीक है, लेकिन इसमें द रेशियो ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इज 1:1, बट 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं कि ये एक फॉर्मूला यूनिट है, ये रेशियो बताती है कि इस क्रिस्टल लैटिस में, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में सोडियम और क्लोराइड के आयन्स की रेशियो क्या है,
इट इज 1:1। लेकिन अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल देखें तो उसमें कैल्शियम, फॉर वन कैल्शियम आयन देर आर टू फ्लोराइड आयन्स, द रेशियो इज 2:1। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, कैल्शियम के ऊपर चार्ज है 2+ और फ्लोराइड के ऊपर चार्ज है 1-। जो फॉर्मूला यूनिट होती है वो न्यूट्रल होनी ज़रूरी होती है। न्यूट्रल मतलब अगर इसको न्यूट्रल करना है तो हमें दो नेगेटिव चार्जेस चाहिए, 2 × −1। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 2- और इसके ऊपर कितना है 2+। तो दैट इज़ वाई वी नीड 2 फ्लोराइड आयन्स हियर। बट इसके ऊपर कितना चार्ज है 1+, इसके ऊपर कितना चार्ज है 1-। तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हमें एक सोडियम और एक क्लोराइन को ले सकते हैं, एक क्लोराइड आयन को ले सकते हैं। आएगा समझ में? तो जो फॉर्मूला यूनिट होती है उसको न्यूट्रल बनाना होता है, तभी इसकी लैटिस में अगर हम काउंट करेंगे तो एक कैल्शियम आयन के लिए 2 फ्लोराइड आयन्स होंगे, ताकि वो पूरी चीज़ न्यूट्रल बने। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें हमको फॉर्मूला ऐसे नहीं बनाना कि कैल्शियम के नीचे आपने 2 लिखा, इसके नीचे 1 लिखा, ये ऐसे, ये तो वैसे ही हमने याद करने का एक तरीका बनाया। रियल तरीका क्या है कि जो फॉर्मूला यूनिट बननी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? न्यूट्रल, किसी भी आयनिक कंपाउंड की। और भी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हैं, कोई और आयनिक कंपाउंड का नाम ले सकते हो आप, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड। ये इजी है, मैं आपको बता देता हूँ, सोडियम ऑक्साइड ये भी आयनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम आयन ये होता है और ऑक्साइड आयन ये होता है, ये 9th में आपने याद किया है। तो अब एक सोडियम आयन क्या एक ऑक्साइड आयन को बैलेंस कर सकता है? क्योंकि इसके ऊपर तो 1+ चार्ज है, ठीक है, 1+, तो हमें 2 लेने पड़ेंगे। तो ये अब ये बन जाएगा 2 × 1+, 2+, और ये ऑलरेडी 2- है 1 में। तो मतलब इसके फॉर्मूला यूनिट में, ठीक है, 2 सोडियम आयन्स अब आप लोगे तो वो एक ऑक्साइड आयन के चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो नाउ 2+ and 2- विच इज ऑलरेडी देयर ऑन दिस, दे विल टोटल बिकम न्यूट्रल ऑन दी होल। अंडरस्टूड? तो आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो ये होता है। तो मतलब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि वैलेंसी इज नॉट अ कंसेप्ट विच वी डोंट रिक्वायर। व्हाट डू वी नीड टू नो? वी नीड टू नो कि जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे आयन्स बनाते हैं, कैसे आयन्स बनाते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने पीरियोडिक टेबल दिया है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ आयन्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो 1+ वाले आयन्स बनाते हैं, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो 2+ वाले आयन्स बनाते हैं। हैलोजन्स जब आयन बनाएंगे, हैलोजन्स आयन कब बनाएंगे, हैलोजन्स आयन कब बनाएंगे? जब उनका मेटल के साथ रिएक्शन होगा, समझ रहे हो, हमेशा नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने H को दूर लिखा तो मैं थोड़ी पास लिख देता हूँ, इस स्पीशीज को क्या बोलते हैं? चलो अगर और स्पेसिफिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में G, विच मीन्स इट इज़ इन द गैस स्टेट। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलते, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर खासकर मैंने ऐसे लिखा, और अगर ये जी नहीं भी लिखा होता तो आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोल सकते थे, अनलेस एंड अंटिल ये मेंशन होता कि हाइड्रोक्लोरिक। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें 2 नॉन मेटल के एटम्स हैं, तो क्या इसमें आयन्स होंगे? क्या इसके अंदर Cl- आयन होगा? द आंसर इज नो। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना हुआ कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें आयन्स नहीं होते, मैंने आपको भी बताया था। तो वो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अंडरस्टूड? वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है। तो ये चीज़ क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। जब इसको हम पानी में डाल देते हैं देन पानी के अंदर जो चीज़ बनती है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, समझ में आपको? तो डोंट स्ट्रेट अवे कॉल HCl एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज इनकरेक्ट। दिस इज द कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अंडरस्टूड? अंडर रूम कंडीशन इट माइट बी अ गैसियस कंपाउंड, ठीक है, वो तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। किसी भी चीज़ को हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज़्यादा ठंडा करके, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना हुआ कंपाउंड है, तो इस वजह से ये एक मॉलिकुलर कंपाउंड है, तो इसका मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ऐसे ये भी मॉलिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, ऐसे ये भी एक मॉलिकुलर कंपाउंड है। सो दे हैव मॉलिक्यूल्स, किया था ना 9th में हमने मॉलिकुलर मास कैलकुलेट किया था ना एटम्स वाले चैप्टर में। इसका मॉलिकुलर मास आपने कैलकुलेट किया होगा 44U, इसका आपने कैलकुलेट किया होगा 18U, ग्राम्स नहीं 18U, ठीक है, ये इनके मॉलिक्यूल्स के मास होते हैं। और इनका जब हमने मास कंप्यूट किया था, फॉर एग्जांपल अगर आप इसका
मास कंप्यूट करोगे या आप सपोज NaCl का मास कंप्यूट करोगे, तो वो उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, इसके मास को फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं, 23 U सोडियम के एटम का मास पर आयन का भी लगभग सेम होता है, और क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5 U, तो 58.5 U इज दी क्या फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। तो मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ जो हमने पहले पढ़ा। तो अब आपके पास एक चीज़ है कि आपको ये पता चला इस पीरियोडिक टेबल में ये कैसे आयन्स बनाते हैं, ये कैसे आयन्स बनाते हैं। हाइड्रोजन के लिए नॉन मेटल है बिकॉज इट डज नॉट ईजिली लूज, बिकॉज नॉन मेटल्स का क्या कैरेक्टर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट तो कर लेते हैं बट वो इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो डोंट थिंक दैट इनकी तरह से वो एच प्लस आयन आसानी से बना देगा। इट इज़ नॉट ईजी फॉर हाइड्रोजन टू फॉर्म एच प्लस आयन बिकॉज उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत एनर्जी का खर्च होता है। द होल वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री रन्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम कहते हैं, मैं बाजार गया, मेरे को लगा यार ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, मैंने पूछा कौन सी गाड़ी, वो कहते जी मर्सिडीज़ है, मैं कहा दो रखवा दो मेरे लिए, तो कहेंगे अच्छा पैसे, मैं कहा पैसे भी चलते हैं क्या, पैसे भी कोई चीज़ होती है, वो कहेंगे हाँ सब कुछ दुनिया में पैसे से ही चलता है। तो वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में सब कुछ एनर्जी से चलता है, ठीक है। तो अगर एच को एच प्लस आयन बनाना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, इफ नो एनर्जी इज़ अवेलेबल देन इट विल नेवर बी एबल टू फॉर्म एच प्लस आयन। चलो एनीवे, तो हाइड्रोजन एच प्लस आयन मुश्किल से बनाता है, ये देखो ये नहीं मैं कह रहा बना ही नहीं सकता, बना सकता है, हाँ वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो एच प्लस आयन बना देगा क्योंकि तब उसको वो एनर्जी मिल जाती है। तभी मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होता है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। नॉन मेटल में वो कैसे एनर्जी निकलती है वो फिर एक अलग चीज़ है, वो अभी हम यहाँ समझ पाएंगे। इनके भी आयन्स कैसे बनेंगे मैंने आपको बता दिया, तो आयन्स को समझना है। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखो, ये जो है यहाँ पर इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मतलब चेंज, द वर्ड ट्रांजिशन मीन्स चेंज बिकॉज दे रिप्रेजेंट चेंज फ्रॉम मेटालिक कैरेक्टर टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। और इनकी खास बात क्या होती है ट्रांजिशन मेटल्स की? दे डोंट फॉर्म वन टाइप ऑफ आयन्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स की जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है, और जो एक बड़ी खास बात है वो ये है कि दे ऑफन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स, ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि ये ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हमेशा डाइवेलेंट आयन्स बनाते हैं Mg2+ Ca2+, लेकिन ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनकी एक खासियत है कि बहुत बार, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही ऐसे होता है, या मैनी ऑफ देम, ठीक है, दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स, ठीक है। तो कुछ जो हमें याद रखने हैं बड़े ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आयरन, आयरन को देखो आप। अब आयरन क्या करता है, वो दो तरीके के आयन्स बना सकता है, Fe2+ और Fe3+, ठीक है। कॉपर को देखो, यहाँ पे कॉपर Cu+ और Cu2+, ये दो आयन्स बनाता है। ऐसे ही बहुत सारे इस ग्रुप के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बनाएंगे, ठीक है, सभी बनाएंगे भी तो भी बहुत कम सिचुएशन में, ऐसे नहीं कि सभी हमेशा ही बहुत ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन दीज मेटल्स इनकी खास बात क्या है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ आयन्स बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट टाइप ऑफ आयन्स बना सकते हैं। इसको पहले ज़माने में बोलते थे जो कम चार्ज वाला आयन था उसको पहले OUS लगा के बोलते थे, फेरस, इसको क्यूप्रस, ठीक है, और जो ज़्यादा चार्ज वाला आयन था उसको पहले IC, फेरिक, और ये क्यूप्रिक, ऐसे बोलते थे। लेकिन अब वो कन्वेंशन नहीं है, बुक्स में आपको मिलेगा नाम, लेकिन अब वो कन्वेंशन नहीं है। अब इस आयन का नाम है Iron 2, ठीक है, और ये आयन है Iron 3। देर इज़ नो फेरस एंड फेरिक, आपकी 9th NCERT की बुक में यही दिया हुआ है, फेरस एंड फेरिक इज ओल्ड कन्वेंशन, ओल्ड वे ऑफ गिविंग नेम्स टू दीज आयन्स, ठीक है। इसका नाम है Copper 1, Roman numeral 1, Copper Roman numeral 2, समझ में आया। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ बेटा इसका नाम क्या रखा, इस ये कौन सा कंपाउंड बनेगा बताओ, तो आप बता सकते हैं बड़ा इजीली। अगर मैं कहता हूँ Iron 3+ और Cl- के बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो ये मेटल ये नॉन मेटल कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो नहीं FeCl3। वजह क्या है, जब मैं इसके तीन लूँगा तभी तो वो इसके चार्ज को बैलेंस कर पाएगा। तो ये फॉर्मूला यूनिट है FeCl3,
और इस कंपाउंड का क्या नाम है? पहले जमाने के हिसाब से फेरिक क्लोराइड और अब आयरन थ्री क्लोराइड, क्योंकि इसमें आयरन थ्री आयन है, तो दैट इज द करेक्ट नेम फॉर दिस, आयरन थ्री क्लोराइड ऐसे लिखा जाएगा। तो बाकी फिर मैं आपको और भी बताऊंगा नाम रखने के तरीके, आयरन थ्री क्लोराइड, क्लियर है? ठीक है, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपके चार्जेस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बिकॉज चार्जेस का इन कंपाउंड्स के नाम रखने से भी रिलेशन है। तो दो तीन चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए, एक तो ये है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, अगर दो नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बनाए तो वो आयनिक नहीं होगा, उसमें आयन्स नहीं होंगे, वो मॉलिकुलर कंपाउंड होगा, ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स में देर आर नो रियल मॉलिक्यूल्स बिकॉज एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंट पहचान क्या है कि वो इंडिपेंडेंट यूनिट बन के इधर उधर घूम सकता है, ठीक है। ये टेबल है आपका नाइन्थ के बुक में, एक तो आज इस टेबल को ज़रूर याद करके आना है, फिर जो और टेबल्स हैं वो मैंने आपको दिखाए, ये थोड़े से एडवांस टेबल्स हैं, इनमें से कुछ आयंस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके आपको नाम मिलेंगे अपनी टेंथ की बुक में, तो मैं बता दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये बोल सकते हो ये तो सब इम्पॉर्टेंट है ही ना, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको इन आयंस को याद करना है। अब जैसे ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इनमें से, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टेंथ, रेस्ट अदर्स दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट का इसका नाम भी आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब ऑक्साइड तो आपके टेंथ नाइन्थ, जो नाइन्थ वाले हैं वो मैं नहीं दिखा रहा, फॉर एग्जाम्पल ये सब नाइन्थ की बुक में दिया हुआ है, तो ये भी टेंथ की बुक में दिया हुआ है, ठीक है, एक जगह पे फिजिक्स के अंदर दिया हुआ है इंटरेस्टिंगली, ठीक है, तो ये सब तो नाइन्थ की बुक में भी दिए हुए हैं, तो मतलब आपको इन आयंस के नाम याद रखने हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये तो देखो अल्टीमेट है ना, जैसे कि जिंकेट आयन, ये टेंथ की बुक में, बाकी आप याद रखते हैं इस क्लास में तो ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोनेट याद नहीं करना, जो नाइन्थ वाले हैं वो मैं नहीं बता रहा आपको, देखो नाइन्थ वाले ये तो सब याद रखने हैं, उसके बियॉन्ड कौन से हैं वो मैं आपको और भी बताऊँगा बाद में, अभी तो मैंने कुछ ही बताया। तो जैसे ये एक पॉजिटिव आयन है, ये क्या है? पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयंस को हम बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स, और इसको भी रेडिकल बोलते हैं, ये भी रेडिकल है, ये भी बेसिक रेडिकल है, ठीक है, बट पॉजिटिव आयंस को हमेशा ये बोलना है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आपके पास ये नेगेटिव आयंस हैं, इन नेगेटिव आयंस को हम एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है, तो जो नेगेटिव आयंस हैं उनको हम एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं, तो आप ये याद रखो ये टर्मिनोलॉजी इनके लिए। लेकिन आप एक चीज़ देखो बेटा, ये मैंने आपको बताया था ये क्या चीज़ है, ये इट इज़ लाइक अ मॉलिक्यूल बट इट इज़ नॉट न्यूट्रल, अ मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, ठीक है, और बिकॉज इट इज़ नॉट न्यूट्रल सो इट कैन बी वेरी रिएक्टिव, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे रेडिकल्स न्यूट्रल, सारे रेडिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, देर कैन बी न्यूट्रल रेडिकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो अब आप देखना, ये आपके पास इसमें एक नाइट्रोजन एटम है और फोर हाइड्रोजन एटम है, बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पूरे ग्रुप में, तो दैट इज़ वाई इट इज़ एन अमोनियम आयन, याद रख लो कि इनको सबके आयंस के नाम आपको याद रखने। और ये वाली लिस्ट मैं आपको अभी याद करने के लिए बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, डोंट मेमोराइज दिस लिस्ट, इसमें से मैं कुछ पॉइंट आउट करूँगा। जैसे कार्बोनेट आपके पास है, ठीक है, अब जैसे ये पेरोक्साइड आयन है, ये आप याद कर सकते हो, एच माइनस को हाइड्राइड आयन बोलते हैं, ठीक है, और ये सब तो आपकी नाइन्थ की बुक में दिया हुआ है, नाइट्राइड भी दिया हुआ है नाइन्थ की आपकी बुक में, जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो जो आपको याद करना है। तो अब इसमें एक चीज़ और, देन आर जॉब ऑफ टुडे विल बी ओवर। ओके, मैंने आपको रेडिकल का मतलब तो बता ही दिया कि रेडिकल इज अ इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एटम्स विच मे और मे नॉट बी न्यूट्रल बट इट इज़ वेरी रिएक्टिव, इट कैन स्टिक टू अदर स्पीशीज एंड हेल्प एंड इन्वॉल्व इन कंपाउंड फॉर्मेशन,